हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दीवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको एक स्ट्रिंग दीवन है, हमको उसको सॉर्ट करना है। ठीक, लेकिन उस स्ट्रिंग में अपर केस भी है, लोअर केस भी है, और तो फाइनल रिजल्ट जो हमको रिटर्न करना है ना, तो उसमें सबसे पहला स्ट्रिंग में कैरेक्टर जो है ना, पहले अपर केस आएगा, फिर लोअर केस आएगा, फिर अपर केस आएगा, फिर लोअर केस आएगा, लाइक वाइज। ठीक है, तो गिवन ए स्ट्रिंग कंपोज ऑफ बोथ लोअर एंड अपर केस लेटर, सॉर्ट इट इन सच ए मैनर सच दैट द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कम इन अ ऑल्टरनेट मैनर बट इन सॉर्टेड वे, सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम तीन स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग अपर केस, ठीक, स्ट्रिंग लोअर केस, ठीक है, और एक स्ट्रिंग हमारा रिजल्ट। ठीक है, आप इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो या नहीं, तो आप अपना खुद का स्ट्रिंग का खुद का, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के सारा चीज उसमें कॉपी करके रिटर्न कर सकते हो। तो ये चीज आप अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो, हाउ ही वांट्स। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे इजी वे है, हमको पता है हर एक कैरेक्टर का कुछ स्काई कोड होता है। ठीक, तो ये हम पहले से निकाल के रखे हैं, कैपिटल ए से जेड का स्काई कोड 65 से 90 के रेंज में लाइक करता है, और स्मॉल ए और स्मॉल जेड का स्काई कोड 97 और 122 के बीच में लाइक करता है। ठीक है, तो यहाँ हम वही लिख ले जाएंगे। तो फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, टाइम से लूप चले, ठीक, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यदि एस ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल्स टू एट इसके 65 और 90 के ना, 65 एंड एंड एस ऑफ आई अगर लेस देन इक्वल है 90 के ना, तो ये सारा का सारा हमारा अपर केस करेक्टर हुआ। ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, उसको हम अपर केस वाले स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे, प्लस इक्वल्स एस ऑफ आई। ठीक है, और यदि इफ एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स किसके 97 और 122 ना, 97 एंड एस ऑफ आई अगर लेस देन इक्वल्स टू है 122 के, तो सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप लोअर केस वाले स्ट्रिंग में इंसर्ट करेंगे बेसिकली एस ऑफ आई। और एट लास्ट ये कहा है कि ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे रिजल्ट में आने चाहिए ना, तो हम सॉर्ट कर देंगे दोनों, सॉर्ट अपर केस डॉट बिगिन अपर केस डॉट एंड, और यही सेम चीज हम अपने लोअर केस के लिए भी करेंगे। ठीक, लोअर केस डॉट बिगिन लोअर केस डॉट एंड। ठीक, अब दो वेरिएबल ले लो, इंट एम असाइन 0, एन असाइन 0, ठीक, और एक लूप चला व्हाइल 1, इनफिनाइट लूप चलेगा ये। ठीक है, इसका ब्रेक कंडीशन हम आपको बताते हैं कि कब हमको ये चीज स्टॉप करना है बेसिकली। इनफिनाइट लूप अगर करते रहेंगे तो ये प्रोसेस हमारे थ्रेड में एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, लेकिन इनफिनाइट लूप से हमारा परफॉर्मेंस बेसिकली, हमको लूप यहाँ पे यूज करना किस लिए, कॉपी करने के लिए, तो एक टाइम आएगा कि हम कॉपी वेट स्टॉप करेंगे ना, वही यहाँ लिखेंगे। तो अगर एम बराबर हो जाएगा किस से, किसके लोअर अपर केस डॉट लेंथ के ना, तब भाई उस केस में आप क्या कर जाओ, आप ब्रेक हो जाओ, उसके आगे आप जाओ ही मत। और अगर एन बराबर हो जा रहा है लोअर केस डॉट लेंथ के ना, इन दैट केस ऑल्सो हम ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है ना, तब आप क्या करो, रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या चीज अपर केस ऑफ एम, ठीक, और एम में आप इंक्रीमेंट करो, उसी तरह रिजल्ट डॉट पुश बैक
push back, ठीक है, लोअर केस ऑफ m, नॉट m, यहाँ पे n आएगा, ठीक है। उसके बाद आप n में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और इस लूप के बाहर आने का दो वे है, या तो m अपर केस के लेंथ इक्वल हो गया, या नहीं तो n अब लोअर केस के लेंथ इक्वल हो गया। तो यही कंडीशन में यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। ओके तो अगर m अपर केस और डॉट लेंथ इक्वल हो गया ना, तो हमको ये समझ आ गया कि हमारा अपर केस का सारा कैरेक्टर स्टोर हो चुका है हमारे रिजल्ट एरे, रिजल्ट स्ट्रिंग में। तो अब हमको क्या डालना है उसमें, लोअर केस वाला ना, फॉर i नॉट i। अब लोअर केस को कौन सा वेरिएबल हैंडल कर रहा है, n ना, n शुड बी लेस देन लोअर केस डॉट लेंथ, लेंथ n प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में पुश बैक कर देंगे, क्या चीज, रिजल्ट डॉट पुश बैक लोअर केस ऑफ n, ठीक है। और अगर n बराबर हो गया लोअर केस डॉट लेंथ के, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा अपर केस का कैरेक्टर आएगा इसमें, ठीक है, रिजल्ट में। अब यही चीज हम यहाँ करेंगे, तो m शुड बी लेस देन अपर केस, अपर केस डॉट लेंथ के और एम प्लस प्लस। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, अपर केस ऑफ एम, दैट्स ऑल। और एट लास्ट हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा रिजल्ट, ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं इस कोड को, बहुत सिंपल था ये कोड, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, लोअर केस वाज नॉट डिक्लेयर्ड, लोअर केस का स्पेलिंग गलत है। कंपाइल करते हैं तो हमको जैसा दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। सबमिट कर देते हैं इसको, देखते हैं और कोई ऐसा भी टेस्ट केस है जिसपे कि हमारा कोड फटेगा, तो ये चेक करने के लिए हम सबमिट कर देते हैं हमारे पर्टिकुलर कोड को, ठीक है। लग रहा है कुछ फटा क्या, क्योंकि अभी तक जीरो पे ही अटका हुआ है। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, अभी हम ज़्यादा इसमें कुछ किए ही नहीं, सिर्फ हमारा कॉपी का काम। अगर किसी को एरे को कॉपी करने आता है ना, एक एरे के कंटेंट को दूसरे एरे में, उसके लिए प्रॉब्लम बच्चा वाला, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक। हम क्या किए हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते। तो हमको एक स्ट्रिंग गिवन था, ठीक है, और हमको टास्क क्या परफॉर्म करना था हम पहले वो समझते हैं। तो हमको एक स्ट्रिंग गिवन था, स्ट्रिंग में अपर केस लेटर भी है और लोअर केस लेटर दोनों है, ठीक। हमको एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना है जिसमें कि व्हाट आई कॉल, सबसे पहले अपर केस लेटर आएगा, उसके बाद लोअर केस आएगा, फिर अपर केस का कैरेक्टर का कैरेक्टर आएगा बेसिकली, उसके बाद लोअर केस कैरेक्टर आएगा, और लाइक वाइज ऐसा हमको कब तक करना है, एंडिंग ऑफ हमारे स्ट्रिंग का, ठीक है। और जो भी हमारा अपर केस और लोअर केस स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर आ रहा है ना, वो भी आना चाहिए सॉर्टेड वे में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे सॉर्ट किए हैं बेसिकली हमारे दोनों के दोनों स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद हम कुछ नहीं, हम कॉपी का काम किए हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग के कंटेंट को हम अपने दूसरे स्ट्रिंग में सिंपली कॉपी किए हैं, इस ऑर्डर में कॉपी किए हैं कि पहला कैरेक्टर अपर केस होगा, दूसरा कैरेक्टर लोअर केस होगा, ठीक। और जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।